नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली एक ब्लॉग बना रहे हैं और इस ब्लॉग में हम लोग क्लास 10th के सिलेबस को स्टडी करेंगे, जिसका नाम है जेनेटिक्स आनुवंशिकी विज्ञान। तो आज का जो क्लास है वो स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है और उनके लिए मैंने ये क्लास तैयार किया है, वीडियो लेक्चर तैयार किया है। तो बच्चों, आप बताइएगा कि कैसा आज का क्लास आपने देखा, आपने पढ़ा, है ना? तो शुरू करते हैं आनुवंशिकी विज्ञान। बच्चों, आनुवंशिकी विज्ञान होता क्या है? इसको इंग्लिश में हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। तो बच्चों, ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। आपको मालूम है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, उसकी ये शाखा है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकी एवं विभिन्नताएं, जिसमें आनुवंशिकी एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी विज्ञान, आनुवंशिकी विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवंशिकी एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो टर्म है और वो दो टर्म क्या हैं? एक तो है आनुवंशिकी और दूसरा क्या है? विभिन्नताएं यानी विभिन्नता। तो आनुवंशिकी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। आनुवंशिकी को हेरिडिटी भी कहते हैं। आनुवंशिकी को हम लोग इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं और विभिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। विभिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। हेरिडिटी एंड वेरिएशंस यानी आनुवंशिकी एवं विभिन्नताएं, दो चीज़ पे फोकस करना है आपको, आनुवंशिकी एवं विभिन्नताएं, ये दो चीज़ समझना है। तो हम लोग इसको समझते हैं। पहली बात तो इस शाखा की नाम क्या हो गई? तो इस शाखा की नाम हो गई आनुवंशिकी विज्ञान, दैट इज जेनेटिक्स। तो सवाल यह है कि आनुवंशिकी विज्ञान होता क्या है? यदि आपसे कोई पूछता है कि आनुवंशिकी विज्ञान क्या है, तो आपका बिल्कुल सिंपल सा जवाब होगा कि आनुवंशिकी विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवंशिकी एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी बच्चों, इस शाखा में आप आनुवंशिकी एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे। विभिन्नता का मतलब आप समझते हो, अनेकों प्रकार की, अनेक प्रकार, विभिन्न प्रकार, वही विभिन्नता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस, अंतर, एक दूसरे में अंतर हो जाना, एक दूसरे से अंतर दिखना, असमान दिखना,
यही विभिन्नता है। और आनुवंशिकी आपके लिए एक नया टर्म है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और जो ये बच्चा समझ लिया उसका आनुवंशिकी विज्ञान बिल्कुल सॉलिड हो गया। तो बच्चों आप इसको लिख लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। लिख लीजिए, आनुवंशिकी विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकी एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो अब बात आती है कि इस आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कौन है। सवाल पूछा जाता है कि आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कौन है, मैट्रिक में अक्सर ये पूछता है। तो भाई पहले उसका नाम जान लीजिए, इसके जनक कौन है, आनुवंशिकी विज्ञान के जनक, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो क्या नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। उनका पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवंशिकी विज्ञान के जनक हैं, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑप्शन में आता है। बिहार बोर्ड में खासकर हम लोग को ये ध्यान देना है कि चार ऑप्शन रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव पे विशेष फोकस करना है। तो चार ऑप्शन होगा, उसमें से आपको ये ऑप्शन ज़रूर होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल याद रखिए, तो ये रट लीजिएगा, ये ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे उसको गोला कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जान गए आनुवंशिकी विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अब हम लोग लिख लिए इसको, अब हम लोग जानेंगे कि आनुवंशिकी होता क्या है। आनुवंशिकी क्या है, तो इसको लिख लेंगे। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों या गुणों का प्रवाह या स्थानांतरण आनुवंशिकी कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों, यहाँ कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आनुवंशिकी यानी हेरिडिटी, आनुवंशिकी होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों या गुणों का प्रवाह या स्थानांतरण क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण चला जाता है, जो लक्षण गमन करता है, जो गुण का स्थानांतरण होता है, उसी गुणों के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। यानी सिंपल सी बात है कि हम में या आप में जो भी गुण है, जो भी लक्षण है, जो भी कैरेक्टर है, वह अपने माता पिता से प्राप्त किया है। अर्थात जो हमारे जनक हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे हम लोग विशेष प्रकार के गुण पाते हैं और वो गुण हम में चला आता है। तो इस गुणों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी।
ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल हिंदी मीडियम में है, इसको अनुमानसिकी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हेरिडिटी बोलते हैं। तो आप हिंदी पे फोकस कीजिए, अनुमानसिकी क्या है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों या गुणों का प्रवाह क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे माता पिता, ये क्या है, ये समझने के लिए है, माता पिता से उनके संतान में जो गुण है, गुण या लक्षण, तो इसका प्रवाह माता पिता से गुण या लक्षण का प्रवाह क्या कहलाता है, अनुवांशिकी। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया। अब देखिए ये आखिर आता कैसे है, यहाँ पे एक सवाल है कि आखिर माता पिता से जो लक्षण या गुण है वो उनके संतान में कैसे आता है, कैसे चला आता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, आगे अध्ययन करेंगे कि कैसे आता है। बहुत आसान है, घबराने वाली बात नहीं है, इस चैप्टर को आप आसानी से समझ लेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर यही चैप्टर रखते हैं, अनुवांशिकी एवं विभिन्नताओं को बच्चे अक्सर रटते हैं और भूल जाते हैं, और सवाल इससे बहुत पूछा जाता है। तो माता पिता से गुण या लक्षण उनके संतान में चला जाता है, इसको हम अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिकी को ढोने वाली रचना कौन सा है, ऐसा कौन सा रचना है हमारे शरीर में जो अनुवांशिकी को ढोता है। अनुवांशिकी का वाहक क्या है, मालूम है बच्चों, अनुवांशिकी का वाहक क्या है, पता है आपको, अनुवांशिकी का वाहक यानी व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र, क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, क्रोमोसोम बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम या सोम। ठीक है, क्रोमोसोम गुणसूत्र हिंदी में बोला जाता है। तो आनुवंशिकी का वाहक जो है यह गुणसूत्र है, और गुणसूत्र मतलब गुण माने लक्षण और सूत्र माने धागा, ये बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, गुण मतलब लक्षण और सूत्र माने धागा, यानी एक ऐसा धागा जिसमें गुण पिरोया गया है, जिसमें लक्षण पिरोया गया है, और यही गुणसूत्र हमें अपने माता पिता से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब हमें अपने माता पिता से गुणसूत्र प्राप्त होता है तो इसका मतलब हमारे शरीर में माता पिता से ही गुण आया है और वही गुणसूत्र आ गया है। तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताइए, मालूम है कितनी होती है बच्चों, 46 होती है मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या, यानी हमारे शरीर में हमारी कोशिकाओं में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46।
तो देखिए 46 तो है, तो 46 का मतलब कि 23 गुणसूत्र फादर पिता से और 23 गुणसूत्र माता से। तो 23 गुणसूत्र पिता से और 23 गुणसूत्र माता से जब हमें प्राप्त होगा तब जाके क्या बन जाएगा 46। तो हमें गुणसूत्र आधे आधे मिलते हैं, आधा गुणसूत्र पिता से आधा गुणसूत्र माता से। इसका मतलब कि 46 में से 23 गुणसूत्र माता देती हैं और 23 गुणसूत्र पिता देती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 23 जोड़ा होता है, और 23 जोड़ा का मतलब टोटल 46। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। अब यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ बताएंगे जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म आता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। इसको आप रट लेंगे और रटेंगे क्या, समझ लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जीनोटाइप, इसको जीन प्रारूप भी बोलते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास स्पेशली है, तो आप भारतीय भवन के बुक में भी देखिएगा तो लिखा होगा जीन प्रारूप। जीन प्रारूप क्या है, इसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो बहुत ही आसान है, जीन प्रारूप क्या है। तो अभी हम आपको बताए कि हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है, 23 जोड़ा का मतलब 46, 23 माता से 23 पिता से हमें प्राप्त होता है। तो टोटल 46 है तो टोटल ना आता है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे नर मनुष्य का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई। और मादा मनुष्य का क्या हो जाएगा भाई, मादा मनुष्य का जीनोटाइप हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है, तो हमने लिख दिया है नर मनुष्य बराबर 44 प्लस एक्स वाई। ये 44 क्या है, यहाँ भी 44 और यहाँ एक्स वाई और एक्स एक्स, ये क्या है? तो 44 जो है वो अलैंगिक गुणसूत्र है। क्या है? अलैंगिक गुणसूत्र। और ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र। ठीक है, तो नर मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं, दो होते हैं, एक्स और वाई। देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है, एक्स है और दूसरा क्या है, वाई। और मादा मनुष्य में 44 गुणसूत्र तो दोनों में समान है अलैंगिक, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स है। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स है। ठीक है, तो मादा मनुष्य में 44 प्लस एक्स एक्स, ये एक्स एक्स। दो
लैंगिक गुणसूत्र होता है। तो मादा में कितना हो गया, यहाँ समझ लें, मादा में एक्स एक्स ये लैंगिक गुणसूत्र है और नर में एक्स भी है वाई भी है। तो नर में दो तरह का लैंगिक गुणसूत्र है, एक्स और वाई, और मादा में एक्स और एक्स। तो आप देख रहे हैं मादा मनुष्य में 44 अलैंगिक गुणसूत्र, 44 दोनों में समान होगा, लड़का में भी लड़की में भी। यानी नर में 44 अलैंगिक गुणसूत्र, मादा में भी 44 अलैंगिक गुणसूत्र, और ये दोनों लैंगिक गुणसूत्रों में अंतर है। नर में एक्स और वाई अलग अलग लैंगिक गुणसूत्र है और मादा मनुष्य में एक्स और एक्स बिल्कुल समान है। तो इसको आप लोग देख लेंगे, अब दोनों को जोड़ लीजिए तो 46 हो गया, 44 प्लस 2 46। यहाँ पे आप समझने के लिए लिख सकते हैं 46, यहाँ भी 46, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिए।